नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में स्थित मशहूर शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अधिकारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और मंदिर की व्यवस्था में इनोवेशन लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में बुधवार देर शाम को मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली के घालूवाल गेस्ट हाउस में चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भरवाई से चिंतपूर्णी तक सड़क को वर्ल्ड क्लास बनाने के निर्देश दिए, क्योंकि सड़क से कई श्रद्धालु मंदिर के लिए लेटते हुए जाते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरवाई से चिंतपूर्णी के बीच विश्राम के लिए व्यवस्था की जाएगी। चिंतपूर्णी में रोपवे भी बनाया जाएगा। मंदिर तक श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए एक्सीलेटर भी लगाएंगे। मंदिर के सरकारीकरण से आय में लगातार सुधार हुआ है। इससे पहले चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के आयुक्त एवं डीसी राघव शर्मा ने बैठक के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट में कुल 11 मेंबर हैं, जिसका प्रति माह खर्च 1,28,00,000 रुपए है। मंदिर ट्रस्ट के 14 प्रोजेक्ट्स का निर्माण प्रगति पर है, जिस पर 39 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।